हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2019 का ट्रेंड इन मेकअप, और ये है योगा स्किन मेकअप। और ये यूके बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी मॉडल के ऊपर ये मेकअप किया था, और ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। और मैंने इसकी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब 2019 का सबसे ट्रेंडिंग वाला जो मेकअप है वो यही है। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सारा मेकअप उन्होंने अपनी मॉडल के ऊपर अपनी फिंगर से किया था, कोई मतलब स्पॉन्ज वगैरह यूज़ नहीं किए थे। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। और वो करने के लिए कोई ज़्यादा मतलब आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लूँगी फिट मी का फाउंडेशन। आपके पास जो भी है आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि इल्यूमिनेटिंग वाला आपको फाउंडेशन चाहिए या कुछ भी। तो आपके पास लैक्मे का भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद मैं ये लूँगी गुड वाइब्स का सीरम। एंड उसके बाद मैं जो लूँगी मिस रोज़ का प्रोफेशनल मेकअप लिक्विड ग्लो हाइलाइटर, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ, इन सब का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ ये तीन चीज़ यूज़ करूँगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो मेकअप, आज का जो मेकअप है वो ज़्यादातर बेस्ट ड्राई स्किन वालों के लिए और या ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। देखते हैं कि मेरी तो ऑयली स्किन है, तो मैं देखते हैं कि कितना बेस्ट होने वाला है ये। तो अभी आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज वगैरह कर चुकी हूँ, अभी इसे मैं हल्के हल्के हाथों से डैप कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे लूंगी फाउंडेशन। इतना सा ही लेना है, ज्यादा अमाउंट मत लीजिएगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा यार। उसके बाद मैं डालूंगी सीरम की 2 ड्रॉप्स डालूंगी इसमें। वन एंड टू। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हाइलाइटर। वन टू थ्री। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद कुछ ये इस तरह का हो गया है पेस्ट, और अब इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी अपनी फिंगर से। आपको अच्छी तरह इसे अप्लाई करना है।
तो डियर आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और डियर ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ फेस पे अपने लगाया भी है। एक बिल्कुल नेचुरल लुक दे रहा है ये, ठीक है। और अब इसे मैं कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी, पूरा सेट नहीं करूँगी बट अपनी आईज़ के पास सेट करूँगी, क्योंकि अगर सेट नहीं करूँगी यहाँ पे तो ये क्रीज लाइन पर जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पे मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। डियर आप देख सकते हो कि मेरा जो चेहरा है कितना ग्लोइंग कर रहा है, कितना ग्लो लग रहा है फेस पर। लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ अपने फेस पर लगाया है, एक नेचुरल लुक लग रहा है। अब इसे मैं मस्कारा यूज करूंगी। मेरे पास ये ब्लू हेवन का है तो मैं ब्लू हेवन का यूज कर रही हूँ। डियर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज कर चुकी हूँ। और थोड़ा सा मैं ब्लश यूज करूंगी। ब्लश के लिए यार मैं पिंक ये NYP की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ और यही मैं अपने लिप्स पे यूज करूंगी। तो डियर आप देख सकते हो मैं ब्लश यहाँ पे मैं यूज़ कर चुकी हूँ और सिर्फ उन्होंने इतना ही किया है। और मैं अब अपनी अपनी ब्राउज़ को फिल करूँगी। और डियर ब्राउज़ को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं वेट एंड वाइट का आई शेडो लूँगी।
डियर आप देख सकते हैं ब्राउज का जितना भी एक्स्ट्रा मुझे लगा था एक्स्ट्रा है वो मैंने क्लीन कर लिया है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को। और आप देख सकते हैं फाइनल लुक जो है वो यही है डियर। मेकअप तो बड़ा फ्लॉलेस लग रहा है बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मेकअप अगर आप बाहर जाने के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा ये टिकने वाला है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल सीरम वगैरह हमने यूज़ किया है इसलिए। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है बट ऑयली स्किन वालों के लिए यार मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगी। ऑयली स्किन वालों के लिए हाँ, 1 से 2 घंटे के लिए अगर आप बाहर जाने तो आप इसे लगा सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं डियर कि मेरा फेस कितना शाइन कर रहा है, देख सकते होंगे आप। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसमें क्या है, इसमें हमने सीरम यूज़ किया है, हमने इसमें हाइलाइटर यूज़ किया है, इस वजह से हमारा फेस इतना शाइन कर रहा है। और डियर आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास फाउंडेशन अगर फिटमी का नहीं है या इल्यूमिनेटिंग वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लैक्मे यूज़ कर सकते हैं, लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। और हाइलाइटर नहीं है आपके पास तो हाइलाइटर की जगह आप लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ग्लिटर वाला लूज ग्लिटर जो आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप उसके साथ सीरम के अलावा आप इसमें बायो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं है, कॉम्पैक्ट अगर आपके पास कोई भी है तो वो चलेगा, और नहीं है तो लूज़ पाउडर यूज़ कर लीजिए। लूज़ पाउडर भी नहीं है तो आपको क्या करना है, टैल्कम, जॉनसन बेबी टैल्कम आता है उससे आप सेट कर लीजिए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, आपके पास ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको इतने सारे आपको ऑप्शन दे दिए, तो आप जो चाहें इसमें से वो यूज़ कर सकते हैं। जल्दी हो गया था इसमें, मतलब ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं लगा था इस मेकअप को करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।